इतने गरीब हो गए आप। हेलो माय व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अगेन माय व्लॉग, माय न्यू व्लॉग। और मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह आज मंडे है और 16 तारीख है। बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं, बच्चे रेडी हो रहे हैं, इधर मैं उनका नाश्ता रेडी कर रही हूँ। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा उठना क्योंकि 10 दिन से छुट्टियाँ थी, इसलिए तो बेटे को मैं दे रही हूँ कढ़ी चावल गर्म करके, क्योंकि कल बनाए थे तो उसको बहुत टेस्टी लगते हैं, तो वो स्कूल में जो है वही ले जाने की बोल रहा है, तो उसके लिए मैं वो कर रही हूँ। और बेटी ने पनीर के लिए बोला है कि रोस्ट करके उसे पनीर ले जाना है, ऐसे ही फ्राई सा करके थोड़ा सा, तो उसके लिए वो बना रही हूँ। थोड़ा सा बेटी को भी दे दूँगी, मतलब दोनों के टिफिन में हो जाएगा। तो बेटी तो रेडी हो गई है और थोड़ा सा मॉर्निंग जो होता है बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है मेरा, क्योंकि इसके बाद मुझे शॉप पे भी जाना है। और बेटा तो मेरा भी रेडी हुआ ही नहीं है, ये थोड़ा सा लेट लतीफ़ है, हमेशा ही ऐसे करता है। और यहाँ मैं दोनों के टिफ़िन में खाना डाल रही थी, तो मैंने जो है कढ़ी चावल बेटी के टिफ़िन में डाल दिया, तो मुझे याद आया ये उसका टिफ़िन नहीं, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे का टिफ़िन नहीं ले जाते हैं। बस क्या कहें, बच्चे आपको पता ही होगा, लड़ते हैं आपस में इस तरीके से, मैं उसका टिफ़िन नहीं ले जाऊँगा। तो ये भी रेडी नहीं हुआ, ये देखो मेरे पास आ गया था। तो बस बच्चे उसको मैं रेडी कर रही हूँ, ये रेडी है, और थोड़ा सा मैं साथ साथ कर देती हूँ सही सामान, ताकि टाइम बचे मेरा। स्कार्फ नहीं, ये अपना टोपा पहना और ये अपने दस्ताने पहना। चलो अब उसको घर में बनाते, चुप हो जाओ। विशु बाय, सो जा, ठीक है। सर्दी ठंड थोड़ी सी नीचे ज़्यादा थी, तो मैं डुगू को ऊपर ले आई रजाई में, उन्होंने बोला इसको बिठा दो, और वो शॉप पे है। मैं चाय बना रही हूँ अब दोनों के लिए, तो दोनों साथ ही पियेंगे। बच्चों को स्कूल भेज दिया है और थोड़ा सा मुश्किल लगा, क्योंकि 10 दिन बाद स्कूल गए बच्चे आज, तो थोड़ा सा उठने में भी बच्चे भी और मैं भी थोड़ा सा लेट हो गए और आदत पड़ गई थी इसलिए, तो बस उनको भेज दिया है। हमने चाय पी ली है और मेरी बारी शॉप पे बैठने की है, वो ऊपर अपना रेडी हो रहे हैं, उसके बाद उनका नाश्ता बनाना है, उनको भेजना है। तो मॉर्निंग तो ऐसे ही बिजी रूटीन से शुरू होती है, बाकी पूरा दिन फिर बिजी रहने वाला है। तो आप ब्लॉग में बने रहो और देखो मेरा जो रूटीन है कितना बिजी रहता है पूरा दिन। कुछ शॉप की वजह से ही लगा लो, इसी वजह से रहता है क्योंकि शॉप है, तो टाइम पर काम नहीं हो पाते हैं। तो आप ब्लॉग में बने रहो, देखते। और अब मैंने नाश्ता रेडी कर लिया है अपने लिए और इनके लिए, तो गोभी की सब्ज़ी है, पराठे हैं, आप भी कर लीजिए ब्रेकफास्ट गरम गरम। डुगू नाराज हो गया क्या, हट। इतने गरीब हो गए आप, रुए हो जाते हैं, बेकार निकल जाते हैं ये। बाय, जाओ। तो अभी अभी ऑफिस जा चुके हैं और सबसे पहले जो है मैं दुकान पर ही झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, ताकि दुकान का जो टाइम है वो, मतलब दुकान भी खुली रहे और मेरा काम भी साथ साथ नीचे का पहले होता रहे। और 12:30 तक मैं नीचे रहती हूँ, उसके बाद मैं ऊपर जाती हूँ। हाँ, 10 दो दूँ। इस टाइम तक जो है थोड़े ग्राहक आते रहते हैं, तो बस टाइम होने वाला है, मैं दुकान बढ़ा रही हूँ। और ये गेट मुझे बंद करना पड़ता है क्योंकि ये बार बार बाहर निकलता है डुगू, तो बाहर एक बाहर की तरफ से दरवाजा है, तो उसको मैं बंद कर दूंगी और अब मैं आऊँगी सीधा ऊपर। चलो भागो भागो भागो, और ये देखो पीछे पीछे एकदम भाग कर आ जाता है, नीचे एक मिनट भी नहीं बैठता है अकेला। और बस आते ही मैंने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि 15-20 मिनट में मुझे जितना काम हो सकता है करना है, और उसके बाद जो है नहाना है। तो बस जो भी सामान है सुबह सब ऐसे ही फैला रहता है, क्योंकि स्कूल जाते हैं बच्चे, तो जो जहाँ निकला होता है वो वहीं रखा होता है। ये देखो ड्रायर भी ऐसे ही रखा हुआ है, सुबह ज़रूरत पड़ती है, कप भी वहीं रखे हुए हैं। तो कुल मिला के कहने का मेरा मतलब है कि कुछ भी समेटा नहीं जाता है, बस जाते ही उनको छोड़ने के बाद मैं नीचे बैठ जाती हूँ, फिर वो ऊपर आते हैं नहाते धोते हैं, फिर मैं उनको नाश्ता बनाने ऊपर आती हूँ, तो सब ऐसे ही फैला रहता है। इसी 15 मिनट में मुझे जो भी वो करना होता है, तो जल्दी से मैंने फिर फटाफट से जो है झाड़ू लगाई पूरे घर में, नीचे में लगा कर आई गई थी आपने देखा। तो बस इस तरह से जो है जो मॉर्निंग मेरा दुकान की वजह से जो रूटीन है बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, तो बस मेरी झाड़ू भी लग गई है और ये साथ साथ मेरे घूम रहा है, मैं नहाऊँगी जाकर,
तो बस मैं नहा ली हूँ और मुझे अब रेडी होकर जल्दी से निकलना है, क्योंकि टाइम हो गया है 1:05 के आसपास हो गया और इतने बजे मैं निकल जाती हूँ। तो अब बेटे को लेके आना है स्कूल से और बेटी को भी साथ ही लेकर आऊँगी। बस मैं निकल चुकी हूँ स्कूल के लिए और डुगू फिर से मेरे पीछे पीछे देखो कैसे लगा रहता है सारा दिन। बाय 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 करो अकेला रह गया तू रे। बेटे को स्कूल से ले लिया है मैंने और ये मेरी बेटी का स्कूल है, ये घर के पास ही है, तो यहाँ से उसको भी साथ में ले लेती हूँ। इस टाइम तक की छुट्टी हो जाती है 2 बजे मतलब, तो बस इन दोनों को लेके जाना है साथ में और फिर उसके बाद देखते हैं क्या बनाते हैं क्या खाते हैं लंच टाइम में। तो मैं आपको दिखाती हूँ, 5:30 हो गए हैं और मेरा दिन और भी ज़्यादा बिजी हो गया है। आज मैं यहीं पर हूँ, दोपहर को बच्चे को लाने के बाद खाना वाना दिया उनको और उसके बाद 4 बजे मैंने फिर से शॉप खोल ली और तब से मैं यहीं बैठी हूँ। 1.5 घंटा हो गया है। क्या कर रहे हो तुम लोग? और वो वैसे 4 बजे तक आ जाते हैं, आज नहीं आए तो हमारी ड्यूटी और लंबी हो गई है। और ये देखिए ये मेरे बच्चे, ये सारा दिन रोता रहता है ये लड़का, इसको कोई काम नहीं है। क्या हुआ? कहाँ बेटा? यहाँ वहाँ जाना ही खेलो। नहीं नहीं यहीं पर खेलो, सामने मेरी आंखों के सामने खेलो, मैं वहाँ नहीं जाने दूंगी। वो आते हैं उसके बाद यहाँ से मैं कब फ्री होती हूँ फिर ऊपर जाऊंगी। ऊपर का भी काम अभी पूरा नहीं हुआ, मतलब मेरे बर्तन तो शाम को ही धुल पाते हैं। जब लिए बेटा ये बहुत ज्यादा, इसको चेंज कर ले। हाँ ऊपर जाओ चाहे कहीं पर भी जाओ, रजाई बैठने से काम नहीं चलेगा। कितना खुश हो रहा है आपको देख के, बताओ इसको क्या लाए हो? डुगू आज चाय बनाएंगे। डुगू डुगू ये 6 बजे के राउंड आ गए थे, उसके बाद मैंने इनको चाय बना के दी और मुझे धोने हैं बर्तन, क्योंकि बर्तन बहुत हो जाते हैं सुबह मॉर्निंग से लेके शाम तक के बर्तन होते हैं डेली। वैसे 4 बजे तक वो आ जाते हैं तो ऊपर आके मैं 1 घंटा रेस्ट वगैरह करती हूँ, उसके बाद मैं शाम को धो लेती हूँ, बट आज लेट हो गया है तो बर्तन अभी धुल रहे हैं। और बर्तन बहुत सारे हैं क्योंकि सुबह टिफ़िन वगैरह सब कुछ चाहिए होता है तो धो के रखने पड़ते हैं सारे बर्तन, फिर मैं रात में अवॉइड करती हूँ कई बारी। और ये मेरी बेटी को कुछ बनानी है डिश यूट्यूब से देख के, तो वो उसी के लिए कह रही है कि मम्मा मुझे बनाने दो, तो मैंने कहा पहले किचन क्लीन हो जाने दो, क्योंकि गैस वगैरह मैं सब अच्छे से इसी टाइम ही क्लीन कर पाती हूँ, मॉर्निंग में नहीं हो पाता है। तो पता नहीं इसको क्या आलू का बनाना है सुबह मॉर्निंग में जो है स्कूल लेके जाना है, तो मैंने कहा ठीक है बना लेना। तो ये मेरा वेट कर रही है कि कब किचन साफ़ हो और मैं अपने लिए कब बनाऊँ, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सीख गई है। तो सब्जी कुछ रखी है कुकर में, बेटे को तो नहीं पसंद आ रही वो, उसको खाना थोड़ा फूडी है वो, तो बस साथ साथ मैं अपना जो भी काम एक्स्ट्रा है वो निपटा लूँगी, फिर से मॉर्निंग की तैयारी करनी है। और ये देखो ये बनाने में लगी है पता नहीं क्या क्या डिश बनेगी इससे, आप लोग भी देखना क्या डिश बनेगी। तो बेटी अपने लिए डिश बना रही है, मैंने अपने बेटे के लिए और अपने लिए बनाई है टमाटर की चटनी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनके लिए सब्जी रखी है तो इसलिए सब्जी नहीं बनाई है, और ये इसकी डिश है पता नहीं क्या है। तो बस अब जो है सोने की तैयारी है। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो।